हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आई होप गाइस कि आप सब लोग ठीक होंगे। हाँ, मैं भी ठीक हूँ, बस आप लोग की दुआ की वजह से। तो आप सब लोगों का स्वागत है मेरे एस एस जी फैमिली ब्लॉग पे। तो चलिए गाइस, ज़्यादा देरी नहीं करके शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइस मतलब सुबह रात का चावल था और इसलिए मैंने खाना ही बनाया। तो फिलहाल अभी मैं चावल बैठा रही हूँ और इस जगह का हालात जो कि है बहुत ही ख़राब है, तो इधर भी है बहुत गंदा हुआ पड़ा है। तो फिलहाल मैं जाती हूँ उसका भी फटाफट से ठीक कर लेते। चलिए गाइस। दोपहर का टाइम और मेरा खाना पीना बनाना जो कि है पूरा कंप्लीट हो गया है और मैंने खाना नहीं खाया है और बाबू को खाना पीना खिला के सुला दिया है। और आजकल ना मेरे बाबू पिज्जा भी देने लग गया है। मतलब उसको उसका रूटीन क्या होता है, मतलब दोपहर में 12 या 12:30 के बीच वो नहाता है, नहा के उसके बाद मतलब कपड़ा वपड़ा चेंज करके उसके बाद पूजा देता है, उसके बाद खाना पीना खाते हैं, खा के उसके बाद सो जाता है। और फिर मतलब 4 या 4:30 या 5 बजे के करीब उठ जाता है, उठ के फिर खेलता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे, मतलब ये रूटीन मैंने ही बनाया है। गाइस मैं एक दिन शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ मेरे बाबू का रूटीन, ठीक है गाइस। और फिलहाल मतलब अभी कोई काम धाम नहीं है, मतलब काम धाम नहीं है बोलना गलत है, क्योंकि मतलब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, लेकिन बंगाली में हम लोग बोलते हैं माखा। तो हाँ मतलब क्या हो, चाट तो चाट बनाते हैं बैठे हैं, तो क्या करेंगे। चलिए गाइस, तो यहाँ पे मैंने 2 खीरा लिया है और नींबू का पत्ता और सूखा मिर्च और इमली और नमक।
फ्रेम तैयार हो चुका है मेरा टेस्टी टेस्टी खीरा का चाट, तो अभी खाते हैं। मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, और हम लोग के इधर खीरा का चाट, उसके बाद इमली का चाट, उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको पेड़ होता है ना गाछ में, एक उसका चाट मिलता है, उसके बाद प्यारा का चाट मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को हो सके तो किसी दिन में ज़रूर दिखाऊँ। আলু আর টমেটো দিস না, আও ঢুকে যাবে চারি মেলে। মিষ্টি তাকা বাবু কে ভাই কে তাকা তোর এদিকে